4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे होता है। ये कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आज हम जानेंगे क्या होते हैं कैंसर के शुरुआती लक्षण और इससे कैसे बचा जाए। हमारा शरीर सेल से बना होता है, नए सेल्स कंटिन्यूसली बनते रहते हैं और पुराने सेल्स की डेथ होती रहती है। यही सेल्स जब ज़रूरत से ज़्यादा बन जाते हैं तो उसे हम कैंसर कहते हैं। अब हम जानेंगे कैंसर के शुरुआती लक्षण। अगर हम ओरल कैंसर की बात करें, मतलब मुंह का कैंसर, तो इसमें मुंह में कोई गांठ हो सकती है, सफ़ेद दाग हो सकता है, मुंह खोलने में, बोलने में व निगलने में परेशानी हो सकती है। अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें तो इसके अंदर अनीमिया हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है और लंबे समय से बुखार रहता है। वहीं खांसी के साथ खून आना, निरंतर हल्की खांसी बने रहना, आवाज़ में बदलाव आना, सांस लेने में दिक्कत होना लंग कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। ब्रेन कैंसर में पेशेंट को उल्टियां आती हैं और चक्कर आते हैं। आंतों के कैंसर में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो सकता है और लैटरिंग में खून आ सकता है। महिलाओं में छाती की गांठ ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है। पीरियड्स बंद होने के बाद या उनके दौरान अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो बच्चेदानी का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा कुछ जनरल सिम्टम्स होते हैं जो ज़्यादातर पेशेंट्स में दिखते हैं, जैसे कि भूख का कम लगना, अचानक से ज़्यादा वजन कम होना या फिर लंबे समय से बुखार या वीकनेस रहना। इसमें से काफ़ी लक्षण कुछ और बीमारियों में भी हो सकते हैं, तो घबराएं ना, अपने डॉक्टर को दिखाएं। अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। ओरल कैंसर ज़्यादातर गुटखे तंबाकू से होता है तो उसका सेवन ना करें। लंग कैंसर बीड़ी सिगरेट से होता है तो उनका सेवन ना करें। आंतों के कैंसर से बचने के लिए फाइबर रिच रेशेदार भोजन करें, मतलब खूब फल और सब्जी खाएं। खाने में रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कम करें, कोकोनट और सरसों का तेल इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपको पेट में अल्सर रहता है तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं, क्योंकि वही बैक्टीरिया आपको कैंसर भी कर सकता है। बच्चेदानी के कैंसर से बचने के लिए 30 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाएं अपना पैप स्मेयर हर 3 साल में करवाएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। आप ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।